अच्छे से हैं। ये रहा मेरा बुग्गू। तो बुग्गू आज क्या किया, सुबह सुबह फेविकॉल लेके पूरे बॉडी में अपना लपेट लिया, तो मम्मा फिर उसको जल्दी से नहा दिए। तो बुग्गू का भी नहाई नहीं हो गया है, मम्मा भी नहाई नहीं कर लिए हैं, तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो जैसा कि आपको बता सके विकास आए हुए हैं, मतलब बुग्गू के पापा, तो वही मेरे मुंह में डाल दिए। तो नाश्ता कर रहे हैं, तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। गर्मी इतनी है कि कहने लायक नहीं, और जा रहे हैं दूध लाने केल लेके। ये माताश्री हमको भेज रही है दूध लाने, कह रही है कि चाओ नहीं, चाय नहीं पिए और लाल चाय हमको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए जा रहे हैं दूध लाने। और आजकल टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम इधर ही उधर व्यस्त रह जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि राखी आने वाला है, तो गए थे बुआ के लिए साड़ी ले लिए, मेरा कुर्ता आ गया, दो कुर्ती मतलब कुर्ती लिए हैं, और बहुत कुछ लिए हैं आज मार्केट से। तो आएंगे अभी दूध लेके, तो दिखाएंगे कि क्या क्या ले गया है। और आपको पता है जैसा कि विकास आ गए हैं, तो अभी विकास कितने दिन की छुट्टी में है ये तो नहीं पता है, ये सरप्राइज़ है। वो आए भी थे तो सरप्राइज़ ही था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं था कि इतना गंदा स्थिति हो गया है रास्ते का। ये देख लो, ये पूरा पानी आ गया है रास्ते पर, और ऊपर से ईंटा का रास्ता है, और ज़्यादा दिक्कत है। तो आते हैं दूध लेके, तब आराम से बैठ के फ्री हो के बात करेंगे, और साथ ही साथ विकास का चाय। तो चले हम दूध लेके आते हैं, तो फिर आप लोग से बात करेंगे। बाय बाय। तो अभी मैं आ गई हूँ, अभी रात के 11 बज रहे हैं और हमारा खाना वाना कंप्लीट हो गया। बताए थे इवनिंग में कि इवनिंग में बात करेंगे, लेकिन इवनिंग में टाइम नहीं मिला क्योंकि बुग्गू जानते ही हैं, बुग्गू बदमाशी करने में लगा रहता है, और प्लस आज रात का खाना का डिपार्टमेंट मेरा था, तो सब्जी हम बना लिए और रोटी छोटी सी इसको आटा गूंथ के लोहिया काट के दे दिए, तो वो रोटी बना ली। और फिर विकास भी आए हुए हैं, तो ये सब में थोड़ा बिजी हो जा रहे हैं। बाबू को डॉक्टर के पास ले गए थे तो समय नहीं मिला थोड़ा सा भी, तो अभी फाइनली जाके मैं फ्री हुई। बाबू सो के, मतलब थोड़ा देर सो गई थी और सो के उठ गई, हम लोग सोचे कि चलो सो गई तो अच्छे से पूरे रात सोएगी, लेकिन बुग्गू का नींद खुल गया, तो बुग्गू सो के उठ गई है। और हम अभी खाना वाना खा के हम लोग आ गए हैं अपने रूम में, मतलब मम्मी वाले रूम में है हमारा रूम, बेड वेड सब ठीक कर लिए हैं, और बस जाएंगे मच्छरदानी लगाएंगे और मच्छरदानी के अंदर घुस जाएंगे सब कोई सोने के। तो बोले थे ना कि आज मार्केट गए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि सब्जी वब्जी सब कुछ लाना था, और मेरा बर्थडे गिफ्ट जो कि पापा दिए थे तो बताए थे कि नहीं हो पाया था, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो चीज़ हमको नहीं मिल पाया था। तो ये फाइनली ये एक कुर्ता जो कि सिंधी स्टिच पे है, ये एक कुर्ता आज ली हूँ इसके यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर इसके वर्क है गले के पास, तो ये कुर्ता ली हूँ, मेरे पास इस कलर का कुर्ता नहीं था, देखो सब मछोड़ का तोड़ के एक कर दिए हैं। तो ये इस टाइप का सिंधी स्टिच का इस पर वर्क है, मम्मी कह रही थी, और ये इस टाइप का कलर मेरे पास नहीं था, तो एक ये कलर ली हूँ, और एक ये कलर जो कि दुकान वाले भैया को अच्छा लगा तो बोले ले लो, बोले चलो ले लेते हैं, तो एक ये कलर जो कि ली हूँ। तो इस तरह का प्रिंट है, ये देखो शायद दिख रहा, इस तरह का प्रिंट है, और गले पर इस तरह का वर्क है। तो दो कुर्ती ली हूँ, और राखी का शॉपिंग अभी बुआ आएगी, देखा जाए बुआ आती है कि नहीं, क्योंकि बुआ थोड़ी सी बुजुर्ग हो चुकी है, तो अकेले आना जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो देखा जाए, पता नहीं हो सकता है भाई जाएगा लाने, तो अभी भी कुछ कंफर्म नहीं पता कि बुआ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन तो भी आए चाहे नहीं आए, राखी है पापा की बहन, पापा बोले कि देखिए दीदी के लिए रख देना, तो गए थे आज, बुआ का भी साड़ी ले आए हैं। ये देखिए ये रहा इस तरह का साड़ी, कैटलॉग में अच्छे से पता चलेगा, ये रहा इस तरह का पूरा वर्क है साड़ी पे, इस तरह के छोटे 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 बूटे बने हुए हैं, ये देखो
तो ये साड़ी मैं बुआ के लिए लाई हूँ और अच्छा लगा मुझे। बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, काफ़ी मस्त है। और इस पर इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखो, इस तरह का पूरा पूरे साड़ी में बना हुआ है। तो ये बुआ के लिए लाए हैं। अब इसमें हमको चूड़ी लगाना बाकी रह गया है, तो आज काफ़ी लेट हो गया था, तो हड़बड़ हड़बड़ हम लोग निकल के चले आए, लिए ये सब, उसके बाद फिर हम लोग चले आए। तो अब देखते हैं कल या परसों जाएंगे तो फिर ले आएंगे। और बुग्गू के लिए बुग्गू की मासी राखी लाई है, बुग्गू की मासी बुग्गू को राखी बांधती है, तो बुग्गू के लिए उसका छुटकू सा राखी लाई है। तो राखी वहाँ रखा हुआ है, रुक जाओ मैं मंगा रही हूँ, ला तो बाबू सोफा पड़ोगे। तो बुग्गू का बड़ा क्यूट सा राखी लाई है। अभी मार्केट में बहुत तरह के राखी आए हुए हैं, डोरेमोन, फिर वो क्या पता नहीं क्या क्या कार्टून्स के। तो हम बोले कि लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बुग्गू तो नोच के फेंक देगी। तो ये रहा, ये बुग्गू के लिए उसकी मासी ली है ना। बुग्गू की मासी को क्योंकि शौक रह गया कि कोई, मतलब बुग्गू उस चाहती थी कि उसका छोटा भाई हो, तो छोटा भाई तो है नहीं। तो बुग्गू बोली कि दीदी तुम तो कभी नहीं हमसे बंधवाई, हम बुग्गू को बांधेंगे। हम लोग बांधो, तो इसीलिए बुग्गू की मासी बुग्गू को पिछले साल भी राखी बांधी थी और गिफ्ट भी बुग्गू को वही देती है, हमको देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये रहा बुग्गू जो कि अपने राखी को लेकर बड़ा एक्साइटेड है। हाई कर दो, हाई कर दो बेटा वहाँ। तो देखा जाए अब, हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए ली है मासी, मासी लिए तुम्हारे लिए। ये देखो कितना खुश हो रहा है बुग्गू। तो पिछले साल मासी बांधी थी राखी, तो बुग्गू बहुत छोटा सा था, छुटकू सा। बुग्गू बस 1 मंथ का था, तो उसको 1 नहीं 2 मंथ का था, तो बुग्गू को इतना कुछ पता नहीं चला। अभी तो बुग्गू थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बुग्गू को लग रहा है कि ये क्या लाई है मासी, कुछ अलग सा। तो जिस दिन बांधा जाएगा उस दिन देखा जाए कि इसका रिएक्शन कैसा रहता है, ये क्या उसका प्रक्रिया देती है ना बेटा, है ना। और बुग्गू 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 एक नया गाना बनाया है, पता है क्या? अपने नाना के लिए गाता है कि नाना मेरे नाना जी, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे। बुग्गू सबसे ज्यादा ठगता है नाना से, है ना बेटा। तो देखा जाए कि हमारा राखी किस तरह से क्या बीतता है, और बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं क्योंकि मार्केट इधर का उधर का सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो और आज मेरे पैर में चोट भी लग गया, गाड़ी निकाल रहे थे स्कूटी, और निकालने के टाइम मतलब ऐसे, मतलब थोड़ा सा जगह बचा हुआ था, इस तरह से कंजेस्टेड कर दिया था लोग, और उसी को गाड़ी निकालने में मेरे पैर में लग गया, तो पैर कट भी गया है और वहाँ से नस भी फूल गया। तो विकास उसमें तेल लगा के उसको ये किए हैं, लेकिन अभी भी पेन है। तो फिर रात में मूव मार के क्रैप बैंडेज बांध के तब सोने जाएंगे। तो ये वीडियो, मैं आज का अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ, कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे इस सफ़र में और अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे बुग्गू को और हमको दीजिए, और यूं ही मेरे सफर में बने रहिए। तो ऑलवेज स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय। और ये रहा बुग्गू, बुग्गू भी बाय कर रहा है, बाय 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 करो बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।